डॉट कॉम। तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आजकल कहीं घूमना फिरना ही नहीं हो पा रहा है। तो आज हम जा रहे हैं लाल बाग। हम पहले भी गए वहाँ लेकिन इस टाइम पे मतलब 15 अगस्त के टाइम पे वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब फ्लावर्स बहुत ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किए जाते हैं वहाँ पूरे। इतनी सुंदर गार्डनिंग हो रखी होती है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी। और ये हमारे पीछे बैठे हुए हैं पुत्र महाराज जो एज यूजुअल फोन में लगे हुए हैं। इसके कहने पे तो कर ही दो। और ये मिस्टर हबी ड्राइविंग पे व्यस्त है। तो अभी हम जा रहे हैं लाल बाग, आपको दिखाते हैं लाल बाग के नज़ारे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो हम ये देखिए लाल बाग पहुँचने वाले हैं और साथ में मेरा पराठा भी चल रहा है, यमी सा लंच भी हो रहा है। तो ये हम पहुंच चुके हैं और इस बार का जो फ्लावर शो है वो 216 यानी कि 216 वाला फ्लावर शो है। इससे पहले 215 बार हो चुका है। यहाँ पे तनुज ले रहे हैं टिकट्स हमारी और अद्वे को दिखी उसकी एक फ्रेंड्स और हमने भी टिकट्स भी ले लिए। मेरी फ्रेंड आई थी वो डांस क्लास वाली फ्रेंड, वो भी देखने आई है ना फ्लावर शो। ले ली टिकट, टिकट लेने के बाद अब हमने एंट्री ले ली है। यहाँ पे काफी सिक्योरिटी वगैरह भी रखी गई है और जो पूरा थीम है इस बार का वो क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो उसी तरह का थीम रखा गया है। और देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पे, एक भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं मिलेगा आपको। सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो ओरिजिनल हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आते के साथ सबसे पहले तनुज और अद्वे तो कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाने लग गए। यहाँ पे सारे जो स्टेचूज बने हुए हैं वो भी पूरे हमारे नेता वगैरह जो पुराने फ्रीडम फाइटर है उनके बने हैं। लाल बाग ये देखिए यहाँ कितनी सुंदर फ्लावर्स खिल रखे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। अभी तो आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे इनका फोटो सेशन भी चल रहा है, कुछ जानने वाले मिल रहे हैं तनुज के और बहुत सुंदर फ्लावर्स जो कह रहे हैं, बहुत फिटिंग जगह है, ब्यूटीफुल सी। फ्लावर्स किसे पसंद नहीं होते है ना। देखिए यहाँ आपको हर तरह के फ्लावर्स मिलेंगे। इस टाइम पे तो यहाँ पे फ्लावर शो हो रहा है तो एक से बढ़कर एक फ्लावर। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये देखिए पूरे संविधान पे है ना इंडिपेंडेंस डे की थीम के हिसाब से ही पूरी ज्यादातर डेकोरेशन की हुई गई थी। उसके बाद हम धीरे धीरे देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये इतना बड़ा एरिया है कि आप मतलब हम तो मैं दूसरी बार गई हूँ यहाँ और मैं दोनों बार पूरा एरिया एक साथ कवर नहीं कर पाई हूँ। फर्स्ट टाइम जब गई थी तो उसकी दूसरे साइड गई थी वो वाला एरिया कवर किया था, इस बार इस तरफ का एरिया हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने पूरा लालबाग अभी भी नहीं घूमा है क्योंकि इतना चल चल के हम थक जाते हैं ना कि पूरा एक साथ घूमना मेरे लिए तो नामुमकिन है। उसके बाद तो हम बस मजे लेते जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा तेज हो रही थी लेकिन जैसे जैसे क्योंकि हम 2 बजे के बाद ही गए थे तो धीरे धीरे धूप जा भी रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जिस टाइम पे हम पहुंचे तो उस टाइम बहुत तेज धूप थी। और ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन है, स्टेचूज वगैरह रखे हुए हैं और ये देखिए कितनी बड़ी एक वॉच बना के रखी है और पूरा एरिया जो आप देखिए पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। डांस क्लास की फ्रेंड है। कैसा लग रहा है लालबाग आपको? मुझे इसको देख के बहुत खुशी हुई है। अच्छा लालबाग को देख के नहीं हो रही? लालबाग को देख के भी तभी तो स्माइल कर रहा हूँ। वो देखो मुके। देखो देखो टच कर क्या आई। अरे वाह कुछ तो हो गई। मैडम ये क्या फ्रूट है पता आपको? लोकल फूड है कुछ क्या पता पता हो आपको। उसके बाद ये है मेन जगह जहाँ पे असली फ्लावर डेकोरेशन होती है। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा गुंबद टाइप बना हुआ, इसके अंदर पूरी असली फ्लावर डेकोरेशन की गई है। यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी फोटोशूट वगैरह कराने लगे, यहाँ पे एक अच्छा सा बिल्कुल है ना पानी देख के बच्चे वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ये इस तरह का देख के बच्चे खुश हो गए और यहाँ पे हमने थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक करवाई। उसके बाद हम जाने लगे अंदर की तरफ। तो गेट बना हुआ है पूरा, आपके पुलिस वगैरह भी लगी हुई थी क्योंकि काफी बहुत ज्यादा भीड़ थी। और ये देखिए ये है जो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एंट्री गेट है। हम यहाँ से एंट्री लेंगे और यहीं से सीधा अंदर जाएंगे और पूरा उसमें अंदर फ्लावर शो जो असली है वो अंदर हो रहा है।
पूरा वहां पे आपको देख के इतना सुंदर लगने वाला है। तो हम ये अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। और ये आपको सब जो दिख रहा है ये पूरा फ्लावर से डेकोरेट किया गया है और पूरा मतलब ना थीम भी उसी तरफ से रखी गई है, जिस तरह से इंडिपेंडेंस डे है नेक्स्ट डे, तो उसी तरह की थीम भी रखी गई है। अंदर जितने भी स्टैचूज वगैरह हैं सब हमारे जितने भी नेता वगैरह थे उनके हिसाब से बनाया गया है। और ये देखिए पूरे फ्लावर्स इस तरह से रखे गए हैं, ये कोई भी फ्लावर टूटे हुए नहीं है, कोई तोड़ के नहीं लगाए हैं, ये जस्ट पॉट पे हैं और ये छोटे छोटे पॉट के इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने फिर कुछ रील्स वगैरह बनाई और ज्यादा तो बना नहीं पाई क्योंकि नेट नहीं चल रहा था अंदर, और मामा के साथ थोड़ी सी मस्ती करी। उसके बाद आप देखिए मैं आपको ये वाले दिखाती हूँ, ये बड़े बड़े से पूरे सीमेंटेड पॉट हैं जिसमें कि अलग अलग फ्लावर्स हैं और उनका पूरा उनमें बोटेनिकल नेम वगैरह भी लिखा हुआ है कि ये कौन सा फ्लावर है। जितने भी वहां पर फ्लावर्स लगे थे सब पे उनके टैग लगे हुए थे कि ये फ्लावर कौन सा है, तो आप पढ़ के पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्लावर है वो। और हर तरफ ने अच्छी सुंदर सी डेकोरेशन करी थी। हाँ, ये वाली जो फ्लावर डेकोरेशन की गई है या पूरा जो आपको संसद भवन सा लग रहा है ये पूरे तोड़ के फ्लावर लगाए गए हैं, ये कोई प्लांट्स मतलब डायरेक्ट नहीं रखे गए, तोड़ के लगाए गए, ये कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं, इसीलिए लोग इस टाइम पे देखने ज्यादा आते हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद जब ये वाले फ्लावर सूख जाते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो देखिए ये देखिए कितना ज्यादा रश है यहाँ पे, मैं आपको घूम घूम के सब दिखा रही हूँ। और यहाँ पे सारे देखिए ये पानी के इस तरह से यहाँ पे ऊपर से कुछ फॉसेट टाइप लगाए रहते हैं जिससे पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है ताकि जो भी फ्लावर्स हैं यहाँ पे वो सब फ्रेश रहे, मुरझाए नहीं, और थोड़ा हल्का हल्के छींटे आपके ऊपर भी आएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको क्योंकि गर्मी हो रही है तो हल्का हल्का पानी के छींटे आ रहे हैं। बस ये पानी इतना फ्रेश नहीं है वैसे, बट इन फ्लावर्स के लिए तो अच्छा है क्योंकि अगर इनके ऊपर पानी नहीं गिरेगा तो ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और ये देखिए ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे माना कि संसद भवन है आपका, बहुत ही सुंदर से इसको बुला, ये वाले जो फ्लावर्स लगा के कटिंग करके लगाए हुए हैं, ये वाली जो डेकोरेशन है। बाकी इसके अलावा जो भी फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं वो पूरे प्लांट में लगे हुए हैं। तनुज पूरा आदमी को घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये वाला फ्लावर है, ये देखो इतना सुंदर लग रहा है। और दोनों भीड़ में दो चले भी जा रहे हैं, कभी कभी हमें दिखाई भी नहीं दे रहे। और उसके बाद ये देखिए बहुत सुंदर डेकोरेशन करी हुई है, थीम मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। और ज्यादातर ये दो टाइम पे ही ज्यादा डेकोर, ये जो फ्लावर शो होता है वो एक आपका जनवरी में और एक आपका अगस्त में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस के टाइम पे होता है। और यहाँ पे इस तरह की भी कुछ डेकोरेशन करी, ये सारे फ्लावर्स पूरे प्लांट्स में लगे हुए हैं, पॉट पे लगे हुए हैं और हर एक फ्लावर पे उनके टैग लगे हुए हैं कि वो कौन सा फ्लावर है। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो पूरा हमारा जो इंडिया का मैप है वो भी फ्लावर से पूरा बनाया गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर यहाँ पे यूज नहीं किया गया, सारे ओरिजिनल फ्लावर हैं, चाहे वो कटिंग करके लगाए हुए हों चाहे वो एज इट इज स्पॉट पे रखे डेकोरेट किए गए हों। और जितने भी हमारे पुराने नेता वगैरह उनके स्टैचूज वगैरह हैं, ये एंड है यहाँ का, हम लास्ट अब पूरा घूम के राउंड लगा के वापस जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के नजारे, एंड से आप ये मत समझिएगा कि ये जो पूरा बोटेनिकल गार्डन है वो पूरा हमने घूम लिया, नहीं, वो सिर्फ वो वाला एरिया था जहां पे फ्लावर शो का एक्चुअल पूरा पार्ट दिखाया गया है। अभी बाहर पूरी आपकी एक ट्रेड फेयर टाइप की लगी हुई है जिसमें कि वैरायटी ऑफ में जो स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं, आपको वैरायटी में सामान मिल जाएगा, अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं, लोग बाहर से आके स्टॉल्स लगा रखी है। तनुज यहाँ पे ले रहे हैं हमारे लिए एक छोटा सा फिश टैंक क्योंकि मुझे बहुत टाइम से बाउल वाला फिश टैंक लेना था, तो मैंने कहा प्लीज इस बार मेरे लिए ले लीजिए। और फिर मैं भी आ गई भी कुछ है भी ले सकते हैं, देखिए ये सारी चीजें आदमी भी शॉपिंग कर रहा है। और अभी आपको मैं सब घूम घूम के दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी स्टॉल है, आई थिंक 200 से अब भी स्टॉल्स होंगी और हर तरह की वैरायटी में है, शीड्स की हैं, प्लांट्स की हैं, ठीक है, और बच्चों के क्लोथ्स मिल रहे हैं, वुलन के क्लोथ्स हैं, हैंडबैग्स हैं, हैंडमेड चीजें बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के जूसेस आपको मिलेंगे, अचार मिल जाएंगे और ये देखिए डेकोरेटिव फ्लावर्स मिल जाएंगे, मतलब घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, किचन के बहुत सारे वुडन के आइटम हैं, प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप के जो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली आपको घर में आप देखिए कितने सुंदर लगते हैं प्लांट्स, और मैं ये दूर से आपको यहाँ का एक नजारा दिखा रही हूँ, देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे, अगर आप अदर टाइम भी आते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के अदर भी अगर आप आते हैं तो भी ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है।
मैं इसका जो एड्रेस है वो आपको मेंशन कर दूंगी कि ये कहाँ पे है। और बोटैनिकल गार्डन है तो भाई यहाँ पे प्लांट्स होना तो लाजमी है। उसके अलावा देखिए एक से बढ़कर एक स्टॉल्स लगी हुई है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। और यहाँ पे जो भी प्लांट्स पुराने हो जाते हैं उनके कुछ इस तरह से इन्होंने शो पीसेस बना दिए हैं, क्रोकोडाइल वगैरह कुछ अलग अलग तरह के बनाए हुए हैं। और एक ये सुंदर सी फ्लावर से इन्होंने एक योगा माता बनाई है और बहुत सुंदर सी प्यारी सी बच्ची के साथ पूरे फ्लावर से देखिए इन्होंने बना रखी है। और मैं सब शाम होने को आई और हम चलते चलते इतना थक गए कि मैं आपको क्या बताऊं। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा चट्टान वाला ये एरिया हम इस बार नहीं घूमे क्योंकि हम पिछली बार घूम चुके हैं, आदि और मम्मा ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और ये देखिए प्रिटी सी गर्ल्स के लिए ड्रेसेस, सीरियसली मेरा तो मन कर रहा था कि मेरी भी बेटी और मैं उसको पहनाऊं। इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे उनके, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस छोटी छोटी गर्ल्स के लिए और बहुत ही अलग अलग वैरायटी में थी। अभी भी स्टॉल्स खत्म नहीं हुई है और अंधेरा होने को आया है। अभी भी देखिए वुडन के बहुत सारी चीजें यहाँ मिल रही थी, स्पैचुला वगैरह बहुत कुछ मिल रहा था, टॉयज वगैरह। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए, मुझे दिख गई जूती की शॉप तो मैंने कहा अपने लिए जूती ली जाए। तो मैं इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, आप कॉमेंट करके बताइएगा मैंने कौन सी परचेस करी है। और उसके बाद हम बहुत थक चुके हैं। यहाँ पे नमकीन खा रहे हैं, ये भी हो रही है ना, मैंने भी खाया थोड़ी सी, ज्यादा नहीं खाना, लेकिन कैसा लग रहा है, थक के बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं घर घूम फिर के, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मैंने अपने लिए प्रिटी सी जूती ली है और कुछ स्पैचुला वगैरह भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे तो हमने वहाँ पे वो भी लिया है। एक हमने छोटा सा फिश टैंक लिया है, बाउल वाला जो फिश आता है ना एक्वेरियम, वो लिया है, फिशेस ली हैं, ऐसे छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान लिया हमने, शॉपिंग करी है, खा पी के हम थका के घर आ गए हैं। कब से चल ही रहे थे, बस चल ही रहे थे और सब थक चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को आपने एंड तक देखा हो, वीडियो को आपने एंजॉय किया हो। अगर आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है तो ये बहुत अच्छी जगह है, आप जा सकते हैं। बैंगलोर में है तो ये बहुत ही सुंदर एक लाल बाग बोटैनिकल गार्डन है जहाँ आप विजिट करिए, घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली 26 जनवरी यानी कि आपका रिपब्लिक डे और ये इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर फ्लावर डेकोरेशन होती है। पूरे रियल फ्लावर्स हैं वहाँ पे सारे, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है। पूरी जो भी वहाँ पे आपको डेकोरेशन मिलेगी, जो कुछ भी वहाँ पे आपको मिलेगा वो सब रियल फ्लावर से है। सब ज़्यादातर तो सब पॉट में ही है, ऐसा नहीं कि तोड़ के ही लगाए हुए हैं सारे, तो काफ़ी अच्छे हैं। आप जाइए वहाँ पे विजिट करिए, लालबाग बोटैनिकल गार्डन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बैंगलोर में बहुत ही सुंदर जगह है। तो बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बाय बाय।